आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंसी साइंस में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्लास 12 में जो चैप्टर है उसको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको दो मैकेनिज्म बताएंगे आज। पहला है मार्कोनी का जो रूल है और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे और इसमें यूज मैकेनिज्म को बताएंगे, और दूसरा एंटी मार्कोनी कॉफ और इसमें यूज मैकेनिज्म को बताएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं पहले मार्कोनी कॉफ रूल क्या है और इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, आपको वहां समझाएंगे। तो देखिए, इसका रूल कहता है द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सच एज HX H2 HOX फिर आगे लिखा टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन अकर इन ए सच वे दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह आपने नियम देखा। तो इसके बारे में हम आपको अभी से बता दे रहे हैं, जो हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो दो तीन चीजें आपको समझना भी है। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल और इसमें आगे भी लिखा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते क्या है पहले तो ये जानेंगे, जब ये जानेंगे। और ये जो मार्कोनी कॉफ का जो रूल है और इसमें आपको ये भी जानकारी रखना है हमेशा, यह कार्बोकैटायंस इसमें फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायंस हम आपको जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि कार्बोकैटायंस कैसे बनेंगे, आपको पहले ही कार्बोकैटायंस कार्बन आयन और फिर रेडिकल की जानकारी दे दी है फॉर्मेशन का, और इसमें भी दिखाएंगे कैसे, और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता चुके हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आपको कार्बोकैटायंस के बता चुके हैं। तो हम आते हैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पर कैसे बनता है। तो आप देखते हैं जो इसका मैकेनिज्म है, जैसे हम आपने आपको यहाँ पर लिए हुए हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन हम कराते हैं HBr से। वैसे मोटे तौर से आपको समझा दे रहे हैं, इसमें देखिए जैसे H प्लस होता है, Br क्या होता है माइनस होता है। तो जो ये कहता है, इसका रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वहां पर अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है कम होती है। तो देखिए, इसका ऐसे आप देखेंगे तो इस पर अटैक कर देगा और ये इस पर अटैक कर देगा। इस तरह जो प्रोडक्ट आप देखते हैं CH3 CHBr और जो देखते हैं CH3 इस तरह बन जाता है। और इसके बारे में जो ये बनता है, इसमें एक और भी प्रोडक्ट बनता है, तो उसको समझने के लिए मैकेनिज्म में चलते हैं। और मैकेनिज्म कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको समझना है। तो जैसे CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2 लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन आपके सामने HBr से हम करा रहे हैं। तो पहले है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते किसे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। जैसे देखिए, इसमें 1 2 3 नंबरिंग तो हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वो आपका HBr बढ़ाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें कितने हैं, 3 कार्बन्स, मतलब 3 कार्बन्स हो 5 कार्बन्स हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। और वही जो ऑड नंबर है, इसी जो मार्कोनी कॉफ और एंटी मार्कोनी कॉफ है, वही ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले देते हैं, मतलब जिसमें 3 कार्बन के हों या 5 कार्बन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें डबल बॉन्ड भी आता है जरूर से। और इस तरह हम आपको मैकेनिज्म के बारे में ले चलते हैं। मैकेनिज्म इसमें कार्बोकैटायन के माध्यम से चलता है। देखिए कैसे होता है, आपको अगर इस तरह आपने शिफ्ट किया इसको तो एक ही कौन सा कार्बोकैटायन देगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है। और कि ये जो है आप ये वाला है, अगर इसी को दोबारा हम फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, अगर ये इस तरह से शिफ्ट होता है तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है कार्बोकैटायन बनता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा, एक में 1 डिग्री का बन रहा है, एक में 2 डिग्री। इसमें देख रहे हैं 2 डिग्री का बन रहा है और इसमें देख रहे हैं 1 डिग्री का। तो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बताया है पहले भी। अब एच क्या है, प्लस है, बीआर क्या है, माइनस है। तो आपको मालूम है कि जो प्लस होता है वो माइनस के पास जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस के पास जाता है। तो आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन किसके पास जाना चाहेगा, एच के पास ही, जो मतलब CH2 के पास ही जाना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। और जो ये Br है जो माइनस, वो किसके साथ मिलना चाहेगा, इसके साथ मिलना चाहेगा। इस तरह जो आप देखेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और CHBr और ये जो है CH3, इस तरह का ही प्रोडक्ट बन जाएगा।
और आप इसमें देखेंगे कि सेम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अगर इसमें आप देखेंगे तो बी आर कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और एच प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट आप देखेंगे इसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर बनेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं आइसो बनता है और इसमें नॉर्मल आईपीसी आप पढ़े होंगे, जैसे वन टू थ्री, तो वन ब्रोमो ब्यूटेन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह आपने देखा कि जो कार्बोकटायन का मैकेनिज्म है वो किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकटायन के फॉर्मेशन पर, जैसा कि हम आपको यहाँ पर एक रिएक्शन के माध्यम से दिखाए भी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बीच में लिखा हुआ है वही सेम रिएक्शन लिखी हुई है, आपको जैसे वहां पर बताया वह यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी वही चीज आपको दिखाया गया। देखिये ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन बन रहा है, इसमें 2 डिग्री का कार्बोकटायन, और इसमें देखिये बी आर इसके ऊपर अटैक करके 2 ब्रोमो आपको प्रोपेन बन गया, लेकिन इसमें वाले में आप देखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है। इस तरह आप हमेशा याद रखेंगे कि जो मार्कोनी कफ होता है वह कार्बोकटायन मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। तो आपको यहाँ एक नोट लिखा हुआ है 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन, और इसमें आपको ये भी बता दे रहे हैं इसमें देखिए स्लो स्टेप लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना, अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया जाएगा जो रेट डिटरमिंग स्टेप होता है और स्लोएस्ट स्टेप जो होते हैं वही रेट डिटरमिंग स्टेप है। तो इसमें आप इस तरह देख लिये। अब हम आपको बताने जा रहे हैं खैरस इफेक्ट, या इसी का नाम है पराक्साइड इफेक्ट, या इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी कहते हैं। इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि जो ये पराक्साइड इफेक्ट होता है यह जो है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है और इसको समझना है, इसमें 3 स्टेप आता है, इनिशिएशन आता है, प्रोपगेशन आता है, टर्मिनेशन आता है। तो मैकेनिज्म आपको समझा रहे हैं, इससे पहले वही आप देखेंगे कि वो जो आपने वहां पर देखा मार्कोनी का रूल में, लेकिन ये उसका अपोजिट चलता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वह नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये जो है कि इसु आईपीसी में देखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन जो इसका प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है और यही ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें जो फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है वो भी आपको बता दे रहे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे ही चलता है, लेकिन इसके मैकेनिज्म में उसके मैकेनिज्म में अंतर है। तो ये जो इसका मैकेनिज्म है आपको इसके बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड सच एज बेंजाइल पराक्साइड, ये फार्मूला लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ एस बी आर ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा हुआ बट नॉट एच सी एल एंड एच आई। अगर यही रिएक्शन अगर आपने एस सी एल और एच आई के साथ ले लिया तो यह जो है रिएक्शन किसके तरह हो जाएगा और मैकेनिज्म किसके तरह हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं यह सब कुछ बदल जाएगा और यह जो है मार्कोनी कफ के रूल के अनुसार चलेगा। केवल केवल एच बी आर ही एंटी मार्कोनी कफ के साथ चलता है। लिखा टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस, आगे लिखा हुआ एंटी मार्कोनी कफ रूल, आया पराक्साइड इफेक्ट या खैरस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि जो अनसिमेट्रिकल का कंसेप्ट बता दिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही लेते हैं, यहाँ पर भी वैसे लेंगे और यहाँ पर नॉर्मल ब्रोम। अब आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा है, मैकेनिज्म में आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पॉइंट लिखा हुआ फ्रीटिकल मैकेनिज्म। पहला पॉइंट है इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ बेंजाइल पराक्साइड लिए हुए और स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला है इसका, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने पहले भी बताया कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो बेंजाइल पराक्साइड उसके 2 फ्री रेडिकल बन गए, और यह क्या करेगा, ये फर्दर अपने जैसे और फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। आपको देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले भी ध्यान रखना है कि जो ये फ्री रेडिकल बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और एक बांड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट याद रखिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं CO2 लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा तो वह CO2 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और फिनाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब फिर आप फर्दर देखेंगे ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है फिर न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एच बी आर से रिएक्शन करेगा, फिर वही फर्दर कंडीशन चलेगी, फिर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसका तो ये जो है बी आर फ्री रेडिकल बन जाएगा, और जो फिनाइल फ्री रेडिकल है इसके एक इलेक्ट्रॉन से इसके एक बॉन्ड बनाएगा और बेंजीन में बदल जाएगा। अब आपको मालूम चल गया कि कितने फ्री रेडिकल होंगे, एक फिनाइल फ्री रेडिकल सॉरी यहाँ पर जो ब्रोमीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल हो गया,
और आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल बन गया और आपका ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह जो फ्री रेडिकल बन गए उसको फर्दर, अब ये प्रोपेगेशन कहता है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है फर्दर उस फ्री रेडिकल को आगे बढ़ाना। तो आप देख रहे हैं कि जो बी आर फ्री रेडिकल यहाँ पर बना हुआ है, अब ये आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हमने पहले भी बताया, तो ये इसका एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इससे जो है मिल जाएगा और ये फर्दर देखेंगे 2 डिग्री का कार्बो फ्री रेडिकल बन जाएगा। जैसे वहां कार्बो कटायन आता है, यहाँ पर 2 डिग्री का क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया और ब्रोमीन इससे अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बन गया और 2 डिग्री का फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए अब आप देखेंगे जो न्यू केस, फिर जो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल रहेगा वो HBr से न्यू मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फिर वही आया इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, तो आप देखेंगे CH3CH2CH2Br बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। और टर्मिनेशन स्टेप में हमेशा याद रखना 2 फ्री रेडिकल, जैसे Br फ्री रेडिकल मिलकर ये एंड प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब इसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, Br2 बन जाता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो आपने यहाँ फ्री रेडिकल बनाया, फिर वो ब्रोमीन से रिएक्शन करके 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन लेता है। इस तरह हम आपको 2 मैकेनिज्म की जानकारी देती है। पहला याद रखना है कि हमने जो मैकेनिज्म बताया है वो मार्कोनिकॉफ का बनाया है। मार्कोनिकॉफ हमेशा हमेशा याद रखना है कि वह जो है कि कार्बो कटायन के फॉर्मेशन से चलता है और जो खैरस प्रक्रिया पर रक्षा गई या फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से चलता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा याद रखना है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप आते हैं। और एक और ही बात ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल बनता है और उसमें जो है आइसो बनता है, ये भी ध्यान रखना। इस तरह हमने आपको इसमें जानकारी दी और फर्दर हम आपको इसी तरह जानकारी देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम।